चारदिकला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखिंदर सिंह तो बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नज़र पावांगे हुण तक दियां कुछ खास खबरां उत्ते। दो दिन भूटान दौरे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अज दूजे दिन भी कई अहम मसलों ते होवेगी चर्चा। सोमालिया लुटेरिया की कैद चो चार साल बाद छुट के आए भारतीय नौजवान के परिवार में जश्न का माहौल। साल 2010 में समुद्री लुटेरिया ने किया अगवा। हरियाणा के सिखा ने 6 जुलाई को महासिख सम्मेलन कराने का किया ऐलान। वक्री गुरद्वारा कमेटी की मांग से कशमकश बरकरार। एनआरआई भैन के भाणजे की जमीन से कब्जा करने वाले प्यो पुत्र गिरफ्तार। तहसील दफ्तर के कुछ अधिकारियों से भी लटक सकती है तलवार। हुण खबरां विस्तार दे नाल। देश की सत्ता संभालन तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे ते भूटान पहुंचे हुए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत होर भी डेलीगेशन मैंबर दो दिन भूटान दौरे ते ने, जिसका अज दूजा दिन है। कल मोदी के भूटान पहुंचण ते अंतरराजी हवाई अड्डे ते उन्हां दा भरवां स्वागत करन दे नाल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिता गया। राजनीतिक सफां दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दो दिन दौरा जो कि पहला विदेश दौरा है काफ़ी अहम मनिया जा रहा है। मोदी इत्थे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे अते होर नेतावां दे नाल दोहां देशां विचाले रिश्तियां नूं होर मजबूती देण ते विचार चर्चा करनगे। इस तों अलावा भूटान की नैशनल असैंबली अते नैशनल कौंसल के सदन नूं भी नरेंद्र मोदी संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेश दौरा है जो कि सियासी गलियारों के विच काफ़ी अहम मनिया जा रहा। इस दौरान दोवें देश अपने संबंधों को मजबूत बनाउन अते व्यापार ते पन बिजली प्रोजैक्टां नूं वाधा देण ते विशेष ध्यान देणगे। नरेंद्र मोदी दे नाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी भूटान दौरे ते ने। तो गल करदे अगली खबर की। सोमालिया के समुद्री लुटेरियां की कैद चो छुट के वापस परते अमन कुमार के परिवार के खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल साल 2010 सोमालिया के लुटेरिया ने एक समुद्री जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया, जिस वख-वख मुल्कां दे कई मैंबर शामिल सन, जिन्हां विच हिमाचल के रहने वाला अमर कुमार भी शामिल सी। अमन का कहना है कि लुटेरियां वालों पहलां तां पैसे की मांग की जाती रही, पर भारत सरकार के यतना सदका अज वह अपने परिवार विच वापस परत के खुशी महसूस कर रहे हैं। दो साल तक इनकी डिमांड $20 मिलियन रही, तो वो ऑनर उतना पे नहीं कर सकता था, तो उसके साथ ऑनर ने इनको ऑफर दिया। स्टार्टिंग में तो $300,000 पर ये राजी नहीं थे उसके लिए। 1.5 साल के बाद जंगल में ले गए, तो जंगल में उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहुत यानी कि बहुत दिन तो छोड़ दें, यानी कि एक मिनट की मुझे वो थी कि मिनट कैसे निकालना है, मिनट में जैसे कि जान एक मिनट के बाद चली गई। मैं अपनी सरकार का और मिस्टर जॉन मिस्टर लियो का UNODC का और मिस्टर चिराग बारी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सरकार का भी आभारी हूँ और जिन्होंने जिनके अपने NGO के थ्रू से जो काम किए, तो जिनके उनका भी बहुत आभारी हूँ। तो उधर हरियाणा के विच वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला काफ़ी गर्माउंदा नज़र आ रहा है। चंडीगढ़ विखे हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी वालों कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस सदी गई, जिस दे विच 6 जुलाई को कैंथल विखे सिखां दा महासिख सम्मेलन करवाउण दा ऐलान किया गया। कमेटी के सेवादार दीदार सिंह नलवी ने कहा कि सम्मेलन राही हरियाणा लई वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाउण लई आवाज़ उठाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और SGPC प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ नूं हरियाणा विच वक्री कमेटी बनाउण लई बेनती की जाएगी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा का ताज़ा बयान सामने आया, जिस विच उन्होंने कहा कि हरियाणा च वक्री कमेटी की मंग ते 2 लाख एफीडेविट पहुंचे ने, जिन्हां विच वक्री कमेटी बनाउण की मंग रखी गई है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं चौधरी भूपिंदर सिंह जी हुड्डा और सरदार हर महेंद्र सिंह चट्ठा, जो अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में राय जानने के लिए उसके बारे में सिख संगत को अवगत करें कि उनकी इस बारे में क्या पोजीशन है,
क्या वो हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग अपने इसी काल में उसको मानने के लिए और उसको सेक्शन 72 को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है या नहीं है। ते बीते दिन श्री अकाल तख्त साहब ते पंज सिंह साहिबाना की अहम बैठक सदी गई, जिस तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि 6 जून नूं साका नीला तारा की बरसी मौके तख्त साहब ते हुई खूनी झड़प के मामले च रिपोर्ट आउण ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों दस दईए कि जथेदार साहब की हदायत से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने झड़प के मामले की रिपोर्ट तैयार करने लिए 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया, जो कि इस पूरे घटनाक्रम से जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ते पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों लोकां दीआं मुश्किलां सुणन लई पिंड पिंड दौरा किया जा रहा है। संगत दर्शनां दी लड़ी तहत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों कल 3जे गेड़ दे 2जे दिन तलवंडी साबो विखे लोकां दीआं मुश्किलां दा निपटारा किया गया। बादल दे दौरे नूं लैके पिंड दे लोकां दे विच खासा उत्साह वेखण नूं मिलिआ। मुख्यमंत्री बादल ने पत्रकारां नाल गल्लबात च भारत सरकार नूं अपील कीती है कि खेतीबाड़ी दे सहायक धंदिआं नूं खेती दे बराबर मिथिआ जावे। ते अजकल इंसान पैसे का पिछा करदिआं इंसानी कदरां कीमतां नूं सिखरे ढंग के किसी भी हद तक गिर सकदा। ताज़ा मिसाल सामने आई है रायकोट तों, जिथे एक भरा ते अपनी भैण NRI भैण अते भाणजे दी जमीन हड़प्पण दे दोष लगे ने। हालांकि इस मामले च पुलिस ने दोहां दोषी प्यो पुत्रां नूं हिरासत दे विच लै लिया ते बणदी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुताबक दोषी दी भैण ने विदेश जाण कारण अपनी जमीन की सांभ संभाल भरा दे हवाले कर दित्ती सी, पर उसने मुख्तियारनामे नाल छेड़छाड़ करके उस जमीन अपने ही पुत्र दे ना करवा दिती। इस मामले च कुछ तहसील दफ्तर दे अधिकारियों की कारगुजारी बारे भी जांच जारी है। उन्होंने नूं पावर आउट आ दित्ती सी कि टिकर बनाई सी अपनी जमीन दे पिछों सांभ संभाल लई, पर इन्हीं पावर आउट आने का फस्ट पेज चेंज करके ते उत्ते जल्दी अपने इनिशियल मार के कमिश्नर साहब तो तहसीलदार चैक करवा के अपने मुंडे के नाम रजिस्ट्रेट अडोप्ट किया है, वो ना ही रजिस्ट्री कराती सी। जो पड़ताल की पड़ताल दौरान गल सामने आई है कि इन जो डाकूमेंट आ उस तो 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम भेजा से, जिसे इन्हें कहा भी इस नाल दी पावर आउट आर्डर बना के भेज। जो उन्हें नहीं भेजी कि इन्हों खुद पेपर आम बोला फस्ट पेज तैयार कर लिया, सैकंड पेज जो जितने उन्होंने दस्तखत से वो ही रहने पे। ते गल करदे अगली खबर की, तलवंडी साबो च कल उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों अचानक कई गड्डियां विच पंजाब पुलिस अते कमांडो दे नौजवान पिंड विच उतरे। दरअसल पुलिस वल्लों इत्थे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे सैकड़े आगुआं नूं गिरफ्तार किया गया। आगुआं दस्सिया कि गंदड़ कांड बलात्कार केस नूं लैके सारा मामला निपट चुका है, पर पुलिस उन्हां दे 6 साथी रिहा नहीं कर रही, जिस लई 15, 16, 17 नूं रोस मार्च किया जाना सी। इसे दे चलदिआं कल पुलिस वालों धड़ाधड़ यूनियन आगुआं नूं गिरफ्तार किया गया। मुसीबतां लैके दसन जाने इन्हां नूं, पर ये संगत सानूं किवें खेरू खेरू कर रहे आ, साडा बोलण दा अधिकार खो रहे आ, कि किवें साडा जमहूरी अधिकार मारिया गा, किवें सानूं इत्थे लुट्टिया ते कुट्टिया जांदा गा। हुण की जे तुहाडी अज फिर तुहाडीआं गिरफ्तारियां कीतीआं गईआं, जे मंगां ना मनीआंगीआं किस तरह संघर्ष करांगे? असीं अपनी लड़ाई नूं होर तिक्खी करांगे, असीं सिरां ते कफ़न बन्न के आवांगे। ते जलंधर पुलिस वालों वाहन चोरों खिलाफ विड्डी मुहिम में उस वेले भारी सफलता मिली जदों वाहन चोरों के एक ग्रोह के 2 मैंबरों नूं काबू किया गया, जिन्हां दे कोलों 8 लग्जरी गड्डियां बरामद कीतियां जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस ने दस्सिया कि गैंग दिल्ली समेत होरना शहरां तों लग्जरी गड्डियां चोरी करके उन्हां दे जाली दस्तावेज अते जाली नंबर प्लेटां लगा के भोले भाले लोगों वेच देंदे सन। गुप्त सूचना ते कीती इस कार्रवाई दे विच मुलजमां तों होर अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही। दिल्ली तो खरीद के जी इतने सेल कर देते ही लोग कितना बेचते सी सर? एक दिन गाहक लग के बेच देंगे सी। नहीं जा आरसियां कितना बनाते सी सर? ये कोई साडा पार्टनर सी वो आरसियां बना के सानू दे देंगे। कौन बनाता सी आरसी? साडा नाल दा कोई पार्टनर सी जी वो बना के दे देंगे। केड़ा पार्टनर? वो सर बाहर है जी इस टाइम जी, इतने इटली ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ?
ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ 8 ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਦੋ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 7 ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 7 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ 8 ਸੀਟਾਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀ 10 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ NRI ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ